गिफ्ट आया है आईफोन और वॉच। आपका पार्सल आया आईफोन और आपका एक घड़ी आया। मुझे पता है इंडिया में जितने भी लोग हैं मोस्टली उनको आईफोन जरूर पसंद होगा और आप सभी ने इन दोनों की वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बड़े भाई और छोटे भाई हैं जो कि दोनों मिलकर चलाते हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक और वहीं पे काफी सारे गिफ्ट भी देते हैं। आपने इनकी काफी सारी शॉर्ट्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी। इंडिया से भी काफी लोग गए हैं कोलैबोरेशन के लिए और उनको भी गिफ्ट्स मिले हैं। उन्हीं के नाम पे जो है काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड इस वजह से क्योंकि मेरे को एक कॉल आती है कि भाई जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से आपको जो है एक आईफोन और एक आई वॉच गिफ्ट की जाती है, तो मैं भी बिल्कुल हैरान रह गया। सबसे पहले तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये किस कंट्री से जो है ये मुझे मैसेज आया है या फिर कॉल आया है, तो भाई वो था पाकिस्तानी नंबर। मेरा माथा टनका और मुझे याद आई कि जैसे टावर के नाम पे फ्रॉड हो रहा था वैसे जमजम इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे भी जो है फ्रॉड हो रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत से आपको पूरी कहानी बताता हूँ डिटेल में। मैंने एक एक रिकॉर्डिंग कर ली है, उन्होंने मेरे को कैसे डील किया और कैसे जो है घुमा फिरा के बाद वो पैसों पे ले आए कि भाई ये इतना पैसा दीजिए फिर आपका जो है मोबाइल मिलेगा, आपकी वॉच मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी छोटा भाई बात कर रहा हूँ जमजम से। छोटा भाई बात कर रहा हूँ जमजम से। आप हमारी वीडियो को फॉलो लाइक शेयर कर रहे हैं? नहीं नहीं कर रहा हूँ सर। अभी करें, आपका एक गिफ्ट निकला है गड़े, एक आईफोन गिफ्ट और एक वॉच। अच्छा कौन सर आप ले रहे? कौन सा ये आपका आपको गिफ्ट निकला है, एक आईफोन और एक वॉच। अच्छा सर आपको वो मैं नंबर देता हूँ डिलीवरी बॉय का, वो आपको देंगे आपके घर पार्सल, ठीक है सर? अच्छा मैं एक मिनट कॉल चलने दो, मैं आपको भी भेजता हूँ, ठीक है सर? ठीक ठीक एक मिनट रुको, पैसा तो नहीं देना होगा? नहीं नहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो डिलीवरी हुआ है ये सर, एक मिनट रुके। भाई ट्रैक्टर से डिलीवर करते हो क्या? जी सर। कब तक डिलीवरी हो जाएगी? सर डिलीवरी भाई ये आपके पास ये नंबर आया आपने चेक किया सर? हाँ हाँ जो है उसमें आईफोन है और एक वॉच है, तो उसको अगर आपको चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल ही करिए। मैं समझ गया कि ये राणा प्रताप वाला खेल ही है जैसे टावर के लिए होता था, लेकिन वो ऐसा नहीं है, दूसरी पार्टी है, ये दूसरी तरीके से डील करते हैं। लेकिन सिंपली आप सभी को ये जान लेना जरूरी है वरना आप भी इस चाल में फंस सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी छोटे भाई और बड़े भाई के नाम पे जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी यूट्यूब पे है। अगर आप उनके नाम पे सर्च करेंगे तो फ्री में गिफ्ट देते भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं देते कि आपके घर पे भिजवा दे। अगर आप उनकी शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदते हैं, अगर आप जो है लकी रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो इतना अर्न कर लेते हैं कि एक दो गिफ्ट वो आपको दे सकते हैं। तो वहाँ पे शॉप पे जाके आप ऑफलाइन जाके गिफ्ट का जो है लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन कुछ सीन नहीं है कि आपके पास वो लोग फ़ोन करें और बार बार फ़ोन करें कि आप जो है गिफ्ट ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए, ये है वो, ये सिंपली से फ्रॉड है। आप पहले पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए। इन्होंने पहले मेरे को बोला कि आपको जो है आईफोन मिलेगा, देन इन्होंने बोला कि इस नंबर पर कॉल करिए, मैं सारी रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ, आप पहले वो सुन लीजिए, फिर जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या स्कैम कर रहे हैं। अरे सर कॉल आई थी कि लकी ड्रा में नाम आया है। जी नाम आया, आपका पार्सल आया आईफोन और आपका एक घड़ी आया, ठीक है? तो ये कहाँ पे मिलेगा? अपना एड्रेस भेजो, आपका एड्रेस पे आएगा, अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? एड्रेस बस और क्या क्या भेजना है? फिर सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कस्टम में फंस गए हैं, मतलब हम आपका कुरियर लेके आ रहे थे और हमें एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है, तो अभी क्या करना है, आपको 3100 रुपये देना है एयरपोर्ट ऑफिसर को ताकि वो हमें छोड़े, मतलब आपका पार्सल छोड़े और हम आपको डिलीवर करें। और वो बोलते हैं कि ये जो नंबर हम दे रहे हैं ये ऑफिसर का ही है, मतलब वो जो कस्टम डिपार्टमेंट में होते हैं ना ऑफिसर, उन्हीं का है। ये कुछ मनु रॉय करके लिख के आ रहा था पेटीएम पे भी गूगल पे भी, यानी इसमें कहीं ना कहीं इंडिया से भी लोग इन्वॉल्व हैं, बाहर के लोग कॉल कर रहे हैं आपको और इंडिया के लोग आपसे पैसा जो है रिसीव कर रहे हैं। अब ये कैसे उनको ट्रांसफ़र करते हैं मुझे नहीं पता,
लेकिन हाँ इंडिया के भी लोग जो है इसमें मिले हुए हैं, इंडियन नंबर भी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट ऊपर डाल दूंगा, ये पर्टिकुलर इंडिया का नंबर है। यही जो है बताया जाता है कि ये डिलीवरी पर्सन है, मतलब इसको ही आप व्हाट्सएप पे कॉल करिए और यही आपको जो है सारी चीज़ें बताता है कि आप भाई इस नंबर पे जो है पैसा डालिए, ऐसा करिए वैसा करिए। और ये लोग जो है गूगल से डाउनलोड की हुई लिंक भी भेजते हैं कि हम यहाँ पर अराइव हो चुके हैं, आपका पार्सल ऐसे निकल रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें इस पर दिखा रहा हूँ। फिर जब बात आती है पैसों पे, तो मैंने क्या किया, पैसों की जो है फेक रिसिप्ट जनरेट कर दी, मतलब फेक स्क्रीनशॉट जनरेट कर दिया। और जैसे इनको भेजा तो थोड़ी देर वो लोग समझ नहीं पाए, फिर जब मैंने इनको कॉल की तब ये लोग बोले कि भाई ये फेक रिसिप्ट है, फेक काम कर रहे हो हमारे साथ, तुमको पार्सल चाहिए या नहीं चाहिए, आप सुन लीजिए। भिजवा दी, बोलो, भिजवा दिया, पैसा भिजवा दिया, ये फेक पर्ची बना के डाल दिया, भिजवा दिया है। हाँ ये फेक बनाना शुरू किया आपने। जब मुझे भी पता चल गया कि इन लोग को भाई भनक लग गई है कि मैंने जो है फेक रिसिप्ट जनरेट की है, और मुझे भी पता चल गया है कि ये लोग स्कैमर है, ऐसा के वैसा कर रहे हैं, तो मैंने इनको एक दो बार कॉल की, कॉल नहीं उठी। फिर मैंने इनसे जो है कांटेक्ट किया, थोड़ी देर बाद कांटेक्ट हुआ, तब मैंने इनसे पूछा कि भाई कितना कमा लेते हो, कितना कैसे क्या रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो उसने बताया ऐसा ऐसा उसने बोला, तो आप सुन लीजिए क्या क्या उसने बोला। केस करे काम पे? नहीं, केस मैं क्यों करूंगा भाई, मैं ये बता रहा था कि कितने पैसे कमा लेते हो दिन भर में ऐसे। हाँ दिन भर में अगर आप जैसे चूती मिल जाते हैं ना, तो दिन भर में 1,50,000 कमा लेते हैं, ठीक है? एक अगर डेढ़, आप जैसे चूती नहीं मिलते ना, तो हाँ फिर नहीं मिलता कुछ भी, अच्छा, तो यही ठीक है? इंडिया से चलाते हो या पाकिस्तान से चलाते हो? इंडिया से, इंडिया से। तो ये सारी चीज़ें जब उसने बोली, तब मैंने बोला कि भाई मुझे भी कुछ ऐसा बताओ कि मैं भी अर्न कर सकूं। तो उसने लिटरली मुझे कहा कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और जो भी कस्टमर मैं लेके आऊँगा उसको आपका नंबर दूंगा, और आप उससे बोलिएगा कि हाँ मुझे जो है फ़ोन मिल गया है और मैं चला रहा हूँ उसको, ये जेन्युइन है, 3100 रुपये दे दो। मतलब मैं एक गवाह बन जाऊँ, इंडियन गवाह बन जाऊँ कि हाँ भाई मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। और उसके लिए ये लोग जो है मुझे 50% दे रहे थे, यानी 3100 रुपये का आधा, नहीं लगभग 1,550 रुपये ये लोग मुझे दे रहे थे सिर्फ ये बोलने के लिए कि हाँ मुझे मिला है। भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मुझे भी जोड़ लो, मैं भी काम करूँ यार, 1-1.5 लाख रुपए आपको कमाओ। जोड़ लेते हैं, काम करोगे हमारे साथ है? तो हाँ बताओ। देखो फिर ऐसा है कि जो पार्टी बोलेगा ना कि पेमेंट कर दिया हमें, तो आप लोगों को नंबर देगा, उससे कांटेक्ट करके उससे बोलना है कि भाई ठीक है पेमेंट कर दो, कोई बात नहीं, मिला मुझे भी गिफ्ट है, ठीक है? तो आपका भी 50% होगा, हमारा भी होगा, अगर वो पेमेंट कर देगा तो, ठीक है? अच्छा बोल देगा, ऐसे तो बनेगा ना, पहले दिलाओ तो पैसा वैसा दिलाओ तो जो ऐसे जो ही। आदमी को मैं बोलूंगा ना कि पैसा जमा करो, अगर वो बोलेगा ना नहीं करने हमें, हमें उस आदमी का नंबर दो जो पेमेंट कर दिया, तो मैं आपका नंबर दूंगा, आपने बात करना उनसे, उनसे बोलना कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो हमारे को गिफ्ट मिल गया, ये तो बोल देगा ना। अच्छा हाँ, और मैं आप लोगों को तरीकेकार बताएगा थोड़ा फ्री होके कैसे ये काम करना है, ठीक है? अच्छा लेकिन स्कैम इस लार्ज स्केल पे हो रहा है कि उसने मुझे ये बोला है कि अभी मैं बिजी हूँ, आपको जो है सारी स्कीम बाद में समझाऊंगा। मतलब ये पूरा नेटवर्क अपना तैयार कर रहे हैं इंडिया में भी रह के, और इंडियन लोग भी इनको अभी चाहिए क्योंकि ये नया ग्रुप है। नया ग्रुप इस वजह से क्योंकि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि एक जो बच्चा मुझे बोल रहा था मैं छोटे भाई बोल रहा हूँ, वो वाकई में ही छोटा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि वो एक बच्चा है, वो मेरे से बात नहीं कर पा रहा था, और मैं जो बात कर रहा था वो मैं कॉन्फिडेंट होके इस वजह से नहीं बात कर रहा था कि उनको ना पता चल जाए कि मेरे को सारी चीज़ें जो है पता है। मैं ऐसे बिहेव कर रहा था कि मुझे नहीं पता है और मैं बात करने में भी डर रहा हूँ, और हाँ मुझे मोबाइल भी चाहिए। तो इस तरीके की मैंने सीन क्रिएट किया कि मैं थोड़ा डर डर के बात करूं ताकि उनको शक ना हो। लेकिन जब मैंने उनको पेमेंट रिसिप्ट भेजी, उन्होंने चेक किया, उसके बाद वेरीफाई किया, उसके बाद उसको जूम वूम करके देखा होगा, तो उनको पता चल गया होगा कि ये एडिटेड है। तब उसने बोल दिया कि भाई फेक रिसिप्ट भेज रहे हो, और वो मैंने फेक भेजी भी थी क्योंकि मुझे 3100 रुपये उनको नहीं देने थे, अगर मैं उनको 3100 देता तो मुझे ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो भाई इस लेवल की फ्रॉड जो है चल रही है इंडिया में, तो आपको भी जो है सतर्क रहना है। पहले टावर्स के नाम पे चलती थी, अब जो है मोबाइल्स के नाम पे चल रही है, क्योंकि जो भी चीज़ फेमस होती है उसके नाम पे जो है फ्रॉड आ जाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के नाम पे जो है ठगी चलती थी, डेबिट कार्ड के नाम पे ठगी चलती थी, फिर यूपीआई का थोड़ा बहुत चलन आया कि लोगों को पता नहीं था, लोग यहाँ से पैसा रिक्वेस्ट कर देते थे
कि 10,000 उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और उनको लगता था कि हमें पैसे आए, जो लोग इतना नहीं जानते थे, और वो लोग एक्सेप्ट करके पैसा फर्जी में कटवा देते थे। तो वो थोड़ा सा काम हुआ। उसके बाद जो है टावर्स का चलन आया, उसके साथ ही टावर्स का चल रहा था कि आपको एयरटेल का जियो का टावर जो हम लगा के देंगे, तो उस पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा ठगी कर रहे थे। उसके बाद जो है ये निकल के आया है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स कि हम आपको जो है फ्री में फ़ोन दे रहे हैं। तो भाई इससे आपको सतर्क रहना है। इस पर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारी ऑडियोस क्लिप सुनवाई कि उसने क्या बोला, और लिटरली जो बच्चा मुझसे बात कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। भाई आप फिर से सुन लीजिए उसकी आवाज़, काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मतलब 14 से 15 साल उसकी एज होगी। आप कह सकते हैं वो ट्रेनिंग पे था, इन फ्यूचर 2-3 साल बाद वो भी अच्छा खासा पैसा कमाएगा। और इन लोगों का कहना भी है कि अगर तुम जैसे चूतिया फंस जाए ना, तो भाई दिन के 1.5 लाख रुपये हम लोग अर्न कर लेते हैं। तो इतना बड़ा इन लोग का गैंग है, इतना बड़ा इन लोग का जो है पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। मैं तो आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको ऐसे मैसेज ऐसे कॉल्स आते हैं तो आपको भाई दूर रहना है, कि आपका एक एक पैसा बहुत वैल्यूएबल है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो जो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इतनी अच्छी जानकारी दी है भाई फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करो, उनको भी पता चलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ कॉल वॉल आती है तो भाई उठाना नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।